वेलकम टू एजुकेशनल मैसी बच्चों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 से और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज करना क्या है भाई, हम अभी अपनी वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन को ही एक्सरसाइज नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए ये रही आपकी वोकैबुलरी, चलिए भाई मेरे साथ बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें से ढेर सारे वर्ड आपको पता है, मैं जानता हूं, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी क्या है कि सभी वर्ड को आपके पास एक बार रिवाइज जाए, ताकि जब आप बोलो तो आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर? तो ये सब वर्ड याद करने बहुत जरूरी हैं, और 50-60% वर्ड आपको पहले से ही याद होंगे, और कुछ लोगों को तो 80% भी याद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, आइए मेरे साथ बोलिए, बोल बोल कर सीखते हैं। क्या लिखा है भाई? सेल। सेल मतलब क्या होता है? बेचना, और ये वर्ब है, क्या है भाई? बेचना, ठीक है। अगला है सेल, ये क्या है भाई? सेल मतलब बिक्री, ठीक है, इसे नाउन है, दोनों में फर्क है, सेल और सेल में फर्क है, ठीक है। अगला है शेल, अच्छा एक सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है अगेन मतलब दोबारा, अगेन मतलब दोबारा। अगला है बॉदर, क्या भाई? बॉदर मतलब क्या होता है? परेशान करना। देखिए कुछ वर्ड ना पीछे वाले भी आ रहे हैं, तो आपको रिवाइज करना है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है अब तक, जाके पीछे की ढेर सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी है इंग्लिश स्पीकिंग की, सेंटेंसेस की भी और वोकैबुलरी की भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में लिंक है, जाइए जाकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए इंग्लिश, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला है ओज, क्या भाई? ओज मतलब किसी द्रव का निकलना, किसी द्रव का निकलना। चलिए अगला क्या है? लेजर टाइम, लेजर टाइम कुछ लोग लेशर भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही चलेगा, ठीक है। क्या मतलब है? खाली समय, क्या मतलब भाई? खाली समय। अगला है नेग्लिजेंस, क्या है? नेग्लिजेंस क्या मतलब है? लापरवाही, क्या? लापरवाही। अगला वर्ड है डाउरी, डाउरी क्या होता है भाई? दहेज। हाँ भाई क्या होता है? दहेज याद रखना, बहुत लोग आपको सुनने को मिलेगा या सुनते भी होंगे आप लोग, डाउरी है, डाउरी लेना है, मतलब दहेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगला है प्रपोजल यानी प्रस्ताव, क्या होता है भाई? प्रस्ताव। अगला है वुड, अच्छा वुड को क्या बोलेंगे? एक सहायक क्रिया है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, बताया आपको सहायक क्रिया के पीछे, बता चुका हूं, और अभी आने वाला है चैप्टर, तो बने रहिए हमारे साथ और आपको पूरा वर्ब सीखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बाद वही शुरू होगा, ओके। चलिए अगला है गार्जियन, क्या है भाई? गार्जियन क्या होते हैं? अभिभावक। अगला है पिटी, क्या है भाई? पिटी मतलब क्या होता है? दया, क्या? दया। अगला है स्किल, क्या बोल रहा है भाई? स्किल क्या होता है? हुनर या काबिलियत, ठीक है। अगला है लीस्ट, क्या है भाई? लीस्ट क्या होता है? सबसे कम। अगला क्या है? सीक, क्या है? सीक मतलब क्या होता है? ढूंढना या कोशिश करना, क्या होता है? ढूंढना या कोशिश करना। अगला क्या है? कॉपरेट, क्या है भाई? कॉपरेट मतलब सहयोग करना, क्या करना भाई? सहयोग करना। आइए बढ़िए आगे, क्या लिखा है भाई? ओबे, क्या लिखा है? ओबे मतलब क्या होता है? पालन करना, क्या होता है? पालन करना, ठीक है। काफी आसान वर्ड्स है, ऐसा नहीं कि भारी भरकम वर्ड्स हैं, काफी आसान वर्ड्स हैं जो आप लोग को तो पहले से पता होगा। चलिए अगला है करेस्पोंडेंस, क्या है भाई? करेस्पोंडेंस मतलब क्या होता है? पत्राचार। आपने सुना होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई? हम तो करेस्पोंडेंस से पढ़ रहे हैं, या हम पत्राचार से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब यही होता है, क्लियर। ये भी एक तरह का स्कूल होता है, बस इसमें क्या होता है, जैसे एनआईएस बोर्ड है वैसा ही होता है, पत्राचार यानी करेस्पोंडेंस, ठीक है। स्कूल जाते नहीं बच्चे, बुक्स लेकर पढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले। अगला है मेमोरी, क्या है भाई? मेमोरी मतलब याद या स्मृति, क्या होता है? याद या स्मृति। अगला है क्वोशंट, क्या है भाई? क्वोशंट मतलब क्या होता है? भागफल। आप लोग भाग करते हो पता होगा भाई, भागफल आता है। अगला है सर्टेन, क्या है भाई? सर्टेन मतलब होता है निश्चित, क्या? निश्चित। रिकग्नाइज क्या होता है भाई? रिकग्नाइज मतलब पहचानना। अच्छा देखो जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही ना, देखो सामने लिखा हुआ है हिंदी में, यार इतना टेंशन लेना, ठीक है, सामने ही लिखा हुआ है, ओके। तो जो अंग्रेजी में नहीं पढ़ पा रहे, जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो क्या करें भाई, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बने रहिए ताकि आप बेहतर हो पाए, क्या है, अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ। अगर आज पहली बार भी आप वीडियो देख रहे हैं तो जाइए एक बार जाकर पीछे वाली वीडियोस देख लीजिए, एकदम सीरीज से आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, क्लियर है, ओके। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं, डरना घबराना नहीं है। बहुत लोग क्या था ना, आते हैं पहली बार देखे, अरे यार ये तो बहुत सारे वर्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा, चलो आगे चलते हैं। नहीं, आपको रुकना है, याद रखिए जो अंत तक टिका रहता है वही सीख कर जाता है, भागने वाले को तो कभी कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं आगे, कह रहा है अमेरिका, क्या है भाई अमेरिका एक देश का नाम है, क्या है एक देश का नाम है, पुर्तगाल क्या है भाई एक देश का नाम है, कुछ लोग इसको ना पुर्तगाल बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको पोर्चुगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोर्चुगल, दोनों ही ठीक है, ठीक है, मतलब बोलने का तरीका है, प्रोनाउंसिएशन का तरीका, कुछ लोग क्या करते हैं पोर्चुगल बोलते हैं और कुछ लोग पुर्तगाल बोलते हैं, ठीक है क्लियर। अगला है केरला, क्या होता है भाई एक राज्य का नाम है, फॉरन क्या है विदेश, अपने देश को छोड़कर सारे देश क्या है विदेश है, अगला ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है प्रतिनिधि या कार्यकारी, अगला है एम्प्लॉय क्या है एम्प्लॉय मतलब क्या होता है कर्मचारी, अगला है विजन क्या होता है सोच या दृष्टिकोण, सोच या दृष्टिकोण। अब यहाँ विषण लिखा हुआ है ठीक है, तो कई लोग इसको बोलते हैं विषण भी, लेकिन होता क्या है विजन, ठीक है विषण भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगला है फेवरेट, क्या है भाई फेवरेट सबसे ज्यादा पसंद, सबसे ज्यादा पसंद। अगला है मशीन, क्या है मशीन का तो मतलब भाई मशीन ही होता है। अगला है डिओड्रेंट, हाँ भाई जो आप मारते रहते हो ठीक है परफ्यूम। अगला है सक्सेस मतलब क्या है सफलता, बहुत अच्छे जानते हैं आप लोग। अगला है जनरल साधारण आप लोग जानते होंगे। अगला है पोसेसिव अधिकार समझाना, क्या है भाई पोसेसिव मतलब क्या होता है अधिकार समझाना। अगला है डिपार्चर क्या मतलब होता है किसी जगह से निकलना, किसी जगह से निकलना। अगला क्या है बियर, अच्छा बियर जो पी जाती है, अच्छा समझ लो ना भाई तीन तरह के बियर होते हैं, एक होता है बियर मतलब सहना, एक होता है बियर मतलब भालू, और एक होता है बियर मतलब पीने वाली बियर, ठीक है तो याद रखना उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। देखिए यहां पर तीनों ही दिया हुआ है, बियर क्या होता है भालू ठीक है, और बियर मतलब क्या होता है सहना, मतलब तीनों ना वर्ड सेम सेम है, स्पेलिंग सेम सेम है, आपको ध्यान रखना पड़ता है ठीक है, और सेंटेंस में क्या बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग चलता है पता कि क्या है। अब जानवर की बात करें तो भाई भालू होगा, अब आदमी परेशानी में है कुछ सह रहा है तो क्या होगा उस टाइम बियर का मतलब सहना होगा, और अगर कुछ पी रहा है तो सिंपल सी बात है बियर का मतलब क्या होगा एल्कोहल, ठीक है तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर भी, क्योंकि स्पेलिंग उसे सेम है और प्रोनाउंसिएशन का भी ज्यादा फर्क नहीं आता ठीक है, तो इसको सेंटेंस में देखकर आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए अगला है आवर, क्या है भाई घंटा, कह रहे हैं आवर ये क्या होता है, या कुछ लोग आर भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है हमारा। अगला क्या है फ्लोर, क्या भाई फ्लोर, फ्लोर वाला फ्लोर नहीं है आटे वाला फ्लोर है ठीक है ये। अगला है फ्लोर मंजिल, देख रहे हो बोलने में ना बहुत कम फर्क आता है ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्पेलिंग्स देखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा ठीक है। ये क्या है दा या दी बोलते हैं, क्या लोग कुछ लोग दा बोलते हैं कुछ लोग दी बोलते हैं, क्या है एक आर्टिकल है, आगे चैप्टर आएगा आर्टिकल वाला पढ़ाएंगे एकदम तसल्ली और बखत से, तो कृपया बने रहिए, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट कर दें, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विंड, कह रहा है हवा, विंड मतलब हवा। अगला है एबल, एबल मतलब क्या होता है योग्य होना, क्या होता है योग्य होना। अगला है सोसाइटी, क्या है भाई सोसाइटी मतलब समाज। अगला है डिडेंट मतलब क्या है भाई सहायक क्रिया है, क्या है एक सहायक क्रिया है ठीक है, डिड और नॉट से मिलकर बनता है ये। अगला है फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता ठीक है। अगला है कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, क्या होता है भाई कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप। अगला है यूजेज, क्या है भाई यूजेज उपयोग ठीक है। अगला है एंशंट मतलब क्या होता है बहुत प्राचीन पुराना ठीक है, बहुत पुराने को बोलते हैं एंशंट ओके। अच्छा आइलैंड क्या होता है एक द्वीप ठीक है। ओनली ये क्या होता है भाई केवल एक बोलते ना, आई वॉन्ट ओनली वन मतलब मुझे केवल एक चाहिए ओके। अगला है हॉस्पिटैलिटी, क्या है भाई हॉस्पिटैलिटी क्या है भाई मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी ओके। अगला है व्हीकल, क्या है व्हीकल वाहन या गाड़ी। अगला है इनफ काफी ठीक है। कह रहा है अलार्म मतलब क्या होता है घंटी। अगला है शीप मतलब क्या होता है भाई भेड़। अगला है देखो शिप और शीप में क्या फर्क है, यहां में स्पेलिंग का फर्क है, अगर आप देखो शीप में देखो SHEP है और शिप में क्या है SHIP है, एक का मतलब क्या होता है भेड़ और दूसरा मतलब क्या होता है जहाज, तो आपको ना बहुत ध्यान रखना होता है इन सब चीजों में, वरना अगर सुनने में ना ये सब चीजें कई बार पता नहीं चलती हैं ठीक है, और कई बार लिखने में पता चलती हैं, तो दोनों ही करना है आपको, सुनना भी है और लिखना भी है। देखो आपने अगर पीछे देखा था बियर, वो देखने में सेम था लेकिन सुनने में थोड़ा सा
अलग अलग है, और यहां पर क्या है, सुनने में सेम है और लिखने में अलग अलग है। तो यही है भाई वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल ध्यान रखना है किस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, जो लोग नए हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा, ठीक है, ओके। और जो लोग पुराने हैं जानते हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट ही होता है भाई, 7, 7 कुछ भी सकता है भाई, नंबर होता है, जनरली नंबर ही यहाँ पर। तो क्लियर, अगला क्या है, मिलीनियर क्या है भाई, लखपति। अच्छा याद रखना, मिलीनियर को लखपति बोलते हैं और बिलीनियर को क्या बोलते हैं, करोड़पति, ठीक है। ये दो वर्ड याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मिलियन और मिलियन में क्या होता है, ठीक है। टावल, तौलिया। अगला है बॉटल, मतलब क्या होता है, बोतल बोलते हैं इसको, नॉर्मल प्लास्टिक बोतल। अगला है डिपॉजिट, जमा कराना, या एग्री क्या होता है भाई, एग्री मतलब सहमत होना। अगला है रेस्टोरेंट, क्या होता है भाई, रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। स्क्वायर, वर्गाकार, ठीक है, बहुत लोगों ने मैं सुना होगा स्क्वायर क्यूब, तो वही है ये, वर्ग और घन बोलते हैं उसको, स्क्वायर क्यूब को। अगला है वॉइस, मतलब आवाज सजीव की, ठीक है, साउंड आवाज निर्जीव की। देखो यहां पर ध्यान रखना है, वॉइस मतलब आवाज किसकी, सजीव की, मतलब जो लिविंग थिंग है, ठीक है, और साउंड मतलब आवाज किसकी, निर्जीव थिंग की, नॉन लिविंग थिंग की, ओके। अगला क्या है, ओरल मतलब जुबानी बात। नेक्स्ट है कंफर्मेशन, क्या है भाई, कंफर्मेशन मतलब पुष्टि करना, क्या, पुष्टि करना। क्या लिखा है भाई, रैपो, क्या लिखा है, रैपोर, कुछ लोग रैपोर और या कुछ लोग रैपो बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है अपनी प्रतिष्ठा, क्या, अपनी प्रतिष्ठा। अगला क्या है, ड्रिवन, क्या है भाई, ड्रिवन, थर्ड फ्रॉम ड्राइव, थर्ड फ्रॉम ड्राइव, ओके। अगला है साइकोलॉजी, क्या होता है, मानव का विज्ञान, मानव का विज्ञान, ओके। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एस्ट्रोलॉजी, क्या होता है भाई, ज्योतिष शास्त्र, पीछे रिपीट हुआ है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। सोशल, क्या होता है, सामाजिक। वॉलेट मतलब बटुआ, मेल का। पर्स क्या होता है, बटुआ किसका, फीमेल का, ओके। अगला है एनदर, क्या है, दूसरा। अगला है बेड, बेड का मतलब क्या होता है, बुरा। अगला है एक, ये जो बेड है, कुछ लोग बेड भी बोलते हैं इसको, मतलब क्या होता है, बिस्तर, ठीक है, ओके। अगला है एनुअल, क्या हुआ है, सालाना, ओके। अगला है योर्स, तुम्हारा। अगला है एस्केप, क्या है, बच निकलना या भाग जाना, बच निकलना या भाग जाना। अगला है लिकर, क्या है भाई, लिकर मतलब शराब। अगला है फिडेलिटी, क्या है भाई, फिडेलिटी मतलब वफादारी। अगला है यूज, मतलब प्रयोग करना। डायरेक्शन क्या होता है, दिशा। अगला है ब्रूम, मतलब होता है झाड़ू, क्या होता है, ब्रूम मतलब झाड़ू। अगला है पुलिस का मतलब पुलिस ही होता है। विसिल मतलब सीटी जाना होता है। अगला है होलसम, होलसम क्या होता है, लाभदायक, क्या होता है भाई, लाभदायक। अगला है ओन, क्या है, ओन मतलब अपना। अगला है फाइनेंशियल, वित्तीय, क्या बोलते हैं, वित्तीय। तो भाई ये थे हमारे जो वर्ड थे ना, एक्सरसाइज नंबर 7 में थे, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 पर और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 को। तो पहला वर्ड आप देख रहे हो, क्या लिखा है भाई, टूरिज्म, क्या लिखा है, टूरिज्म मतलब क्या होता है, पर्यटन। अगला है वॉश मतलब धोना। देखो ये वर्ड ना बहुत ईजी है, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी कवर कर रहा हूं, ठीक है। क्या है, ब्रेकफास्ट, क्या है, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का भोजन। अगला है फीस्ट मतलब होता है उत्सव या दावत, उत्सव या दावत। अगला है शावर, क्या है भाई, शावर बोलते हैं यानी बौछार या फुहारा। अगला है वेन, क्या होता है भाई, नसें बोलते हैं इसको, शरीर की नसें। अगला है ऑल मतलब सब, अनियन मतलब प्याज, आप लोग पता ही होगा। आलू भाई क्या होता है, पोटैटो मतलब आलू, ठीक है। टोमेटो मतलब टमाटर। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। रिलेटिव सगे संबंधी, जैसे आप बोलते हो रिश्तेदार, ठीक है। ईयर साल या वर्ष। अगला है ईयर, ये होता है कान। देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। वैसे तो आप लोग को पता ही है, बहुत कॉमन वर्ड है, दोनों में डिफरेंस आपको पता ही है क्या है। अगला है एयर हवा। ओशियन मतलब महासागर। अगला है श्योर मतलब पक्का। अगला है कंटिन्यूअस मतलब लगातार, क्या भाई, लगातार। अगला है एवरीबॉडी, क्या भाई, एवरीबॉडी, ठीक है। अगला है बिगेन, क्या भाई, बिगेन मतलब शुरू करना। अगला है बिगेन,
क्या होता है, बिगनिंग की दूसरी फॉर्म है ये, ठीक है। अगला है हाइड, मतलब छिपाना, लेटर मतलब बाद में, लेटर मतलब पत्र, वॉन मतलब क्या होता है जीता, और वांट मतलब क्या होता है चाहना, ठीक है। बहुत इजी इजी वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, और जिन्होंने नहीं सुना है कोई बात नहीं, घबराने के लिए बिल्कुल बात नहीं है, मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा। और ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा कीजिए उतना फायदा होगा आपको बोलने में, और बहुत ही कॉमन वर्ड है यार ये सब तो, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही होगा। अगला है एडजेसेंट, बगल में। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प या दूसरा तरीका। अगला है परसेंट यानी प्रतिशत, एसोसिएट सहयोगी या साझेदार बोलते हैं इसको। अगला है कैरियर पेशा या भविष्य। अगला है टुवार्ड्स की तरफ। अगला है पाम मतलब हथेली, काफ गाय का बच्चा, ठीक है, वुमेन एक औरत। अच्छा वुमेन ये क्या होता है भाई, एक से ज्यादा औरतें, एक से ज्यादा औरतें। अगला है मैन एक आदमी। अगला है मीन एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा आदमी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लाइन पे क्या करा है, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर या एक जैसा। अगला है स्कल मतलब क्या होता है भाई, खोपड़ी, क्या खोपड़ी। अगला है वॉयलेंस मतलब हिंसा। नेक्स्ट है वॉर, वॉर मतलब क्या होता है दोस्त, लड़ाई, क्या होता है लड़ाई, लड़ाई मतलब युद्ध, ठीक है। अगला है ऑल टुगेदर, क्या होता है भाई, ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह से किसी काम को करना, तो बोलते ना। अगला है कलीग मतलब क्या होता है भाई, साथी। अगला है टिनी मतलब बहुत छोटा। च्यू मतलब चबाना। देखो भाई ये सब ना बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, इतने ज्यादा कॉमन वर्ड है ना कि आप लोग 90% वर्ड जानते हो गए इसमें से, ठीक है। तो आपको बस इसे रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इनको लर्न की जरूरत नहीं है, आप लोग को मैक्सिमम वर्ड पता ही होंगे, 90% वर्ड सबको ही पता है यहाँ से, ठीक है। बस मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि बोलने में बहुत काम आने वाले हैं, आपको रिमाइंड रहने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है टैप मतलब नल, सेड मतलब कहा। अच्छा सेड और शेड में क्या फर्क है भाई, शेड मतलब होता है छाया, ठीक है, और सेड मतलब होता है कहना, सैड दुखी। याद रखना इनके ना वर्ड बिल्कुल अलग अलग हैं लिखे हुए, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है एक जैसी लगती है, तो ध्यान देना सब वर्ड्स पर, ठीक है। स्प्रेड फैलाना, ऑनेस्टी ईमानदारी, हेजिटेट बहुत कॉमन वर्ड है, याद रखना हिचकिचाना होता है, ठीक है। अगला है लीव मतलब छोड़ना, डाई मतलब मारना, ठीक है, या मरना भी होता है कई बार। अगला है डाई, ये कौन सा डाई है भाई, सिर पर लगाने वाला रंग है, ठीक है, तो याद रखना दोनों को डाई पढ़ते हैं, डाई और डाई, थोड़ा सा फर्क है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, डाई या डाई, या और ई का फर्क है, बट आप लोग स्पेलिंग से याद रखना कि डी आई ई डाई मतलब मरना या मारना, ठीक है, जनरली मरना होता है, ठीक है, और डाई मतलब बालों में रंग लगाने वाला, डी वाई ई। अगला है लिव, जो उस वक्त हो रहा है, सॉरी पहला क्या है लाइव, क्या है लाइव। अगला क्या है, जो मतलब उसी समय हो रहा हो, ठीक है, जैसे हमारी क्लास कभी कभी लाइव चलती है, तो सेम समय पढ़ा रहा होता हूँ और सेम समय पे आप देख रहे होते हो, उसे क्या कहते हैं लाइव कहते हैं, ठीक है। अगला है लिव मतलब रहना। अगला है नेम शेक, क्या भाई नेम शेक, एक जैसे नाम वाला, एक जैसे नाम वाला। अगला है हैंड शेक हाथ मिलाना। अगला है एपीटाइट, एपीटाइट मतलब क्या होता है भूख, अभिलाषा या इच्छा। देखो ये नया वर्ड है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लर्न रखना है इसको, एपिटाइट। अगला है रिलाइज महसूस करना, ठीक है। सीजर कैंची भाई, बहुत कॉमन वर्ड है लेकिन लोग भूल जाते हैं कि कैंची को बोलते क्या इंग्लिश में, याद रखना सीजर बोलते हैं, ओके। अगला है टॉकेटिव मतलब जो बहुत बोलता हो, बातूनी हो, ठीक है। अगला है ड्यूरिंग मतलब दौरान, येट, येट का मतलब क्या होता है अभी तक या फिर भी। अगला है ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा या बड़ा, विशालकाय बोलते हैं इसको। अगला है बाइनोकुलर्स, दूरबीन होती है, ठीक है, जिससे हम दूर चीज़ों को देखते हैं। प्रीमिसिस क्या होता है भाई, परिसर या दायरा बोलते हैं इसको। अगला है हर्ट, क्या है भाई हर्ट, दुख पहुंचाना या चोट पहुंचाना। अब ये HERT हर्ट, ये दिल वाला हर्ट है, ठीक है। अगला है ब्रीड जन्म देना, या ब्रेड, ब्रेड जो हम खाते हैं आपको पता ही होगा, चपाती मतलब रोटी जो हम खाते हैं, स्वीट
अच्छा एक है स्वीट, देखो नीचे क्या है स्वीट और ऊपर क्या है स्वेट, दोनों में फर्क है। स्वीट मतलब मीठा या मिठाई और स्वेट मतलब पसीना, ठीक है याद रखना। कई बार हम लोग ना सुनते ठीक है लेकिन लिखने में गलती कर देते हैं, तो याद रखना स्वीट की स्पेलिंग क्या है SWWET और स्वेट की SWEAT। अगला है स्वीट्स मतलब मिठाई, ऑलवेज हमेशा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, कह रहा है पपेट, क्या है भाई पपेट मतलब क्या होता है कठपुतली। आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में ना काफी सारी कठपुतली खेल बहुत फेमस है, आपके गांव वगैरह में भी देखने को मिलता है, शहरों में तो बहुत कम हो गया देखने को ये सब चीजें, ठीक है। अगला है शिवर मतलब क्या होता है कापना, ओके। अगला है सपोज मतलब मान लो या मान लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, फैमिलियर क्या होता है भाई जिसको हम पहले से जानते हैं, पहले से ही जानकारी होना, ऑक्यूपाई घेरना या कब्जा कर लेना या अधिकार में लेना, एक ही बात है। एंडियवर मतलब क्या होता है प्रयास या प्रयत्न करना, एंडियवर का मतलब क्या होता है प्रयास या प्रयत्न करना। अगला है आइटेनमेंट मतलब घाव का मरहम, क्या होता है भाई घाव का मरहम, यहाँ पे ओ साइलेंट है। अगला है ऑस्पिशियस, क्या है भाई ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है शुभ। अगला है एनिग्मा मतलब क्या होता है पहेली। अगला है फुटफॉल, ठीक है मतलब कदमों की आवाज। अगला है बल्ज, क्या है बल्ज मतलब उभरा हुआ। अगला है फैटल मतलब घातक। अगला है कॉन्सेंट, क्या है भाई कंसेंट बोलते हैं इसको, कंसेंट मतलब क्या होता है सहमति, ठीक है। अगला है स्टैम्पीड, स्टैम्पीड मतलब क्या होता है भाई भगदड़। अगला है इंडेक्टेड मतलब क्या होता है कर्जदार या ऋणी। अगला है स्माइल मतलब क्या होता है मुस्कुराना। अगला है म्यूजिक, क्या मतलब होता है संगीत। अगला है स्कूल मतलब क्या होता है विद्यालय। अगला है स्लाइन मतलब क्या होता है खारा, क्या होता है भाई खारा। अगला है रेसिपी मतलब क्या होता है खाने का नुस्खा। अगला है क्या वॉक्सवैगन, वॉक्सवैगन भी बोलते हैं, क्या है भाई कार की कंपनी, ओके।